तो आपको ये सारी जानकारी अगर आप देने में आपको असुविधा है तो हम आपको दवा उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, जैसा आपको उचित लगे नहीं लेंगे। ठीक, आपका मकान नंबर बताएंगे? नहीं बताएंगे। देखिए, अगर नहीं बताएंगे तो हम आपको दवा नहीं दे पाएंगे, ये शासनादेश है, इसके अनुसार हमें इसका अनुपालन करना है। अगर आपको प्रोसिंग चाहिए तो आपको ये सारी जानकारी हमें देनी होगी। पता तो रहेगा, तो रहेगा नहीं, कोई प्रॉब्लम वो पूछना ही पड़ेगा उससे। देखिए, ऐसा है कि प्रोसिंग भी है, आप अपना नाम बताइए पहले। पिताजी का नाम क्या है जी? आपकी उम्र कितनी है? 21। बात करा देंगे, ठीक है। जो प्रॉब्लम आ रही है सामने है कोई, यही चीज़ आप उनको बता दें, मतलब रिपोर्टर को हमारे। देखिए, जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, हमारी मांग कुछ नहीं है, हम तो दवा व्यापारी हैं और यहाँ पर इस लॉकडाउन की परिस्थिति में भी हम लोग सेवा कर रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ के, घर परिवार को छोड़ के। हम लोग चाहते हैं कि मरीजों को पूरी तरीके से दवाएं उपलब्ध हों, लेकिन अभी जो शासनादेश हमें प्राप्त हुआ है, मुझको लगता है कि थोड़ा सा वो अव्यवहारिक है। इस सेंस में कि सर्दी बुखार खांसी की दवाएं नॉर्मली सभी जो है पेशेंट वो ले जाते हैं, ऐसे ही मांग की ज़्यादातर दुकानों पे, और जब हम उनसे उनका पूरा डिटेल मांगते हैं तो जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि वो बहुत डर जाता है। अभी भी आपने देखा होगा, एक मरीज क्रोसिन लेने आया, जब मैंने उसका नाम पता पूछना स्टार्ट किया, उसके गांव का पता स्टार्ट किया, मोबाइल नंबर की जानकारी लेनी चाहिए तो वो नहीं दे रहा था। उसको यही भय लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझको भी पकड़ ले जाएं और क्वारंटाइन कर दें 14 दिन के लिए। तो थोड़ा सा मेरा ये कहना है कि इसको थोड़ा और व्यवहारिक हो जाए, और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारी हैं, हो सकता है कि इन सब चीज़ों को लोड ना कर पाएँ 5 बजे तक अपनी सारी बिक्री को, कि कितना पैरासीटामॉल बिका, कितनी खांसी की सिरप बिकी। तो एक थोड़ी समस्या ये भी है, नेट की भी प्रॉब्लम रहती है गाँव में, तो थोड़ा सा मुझे ये अव्यवहारिक लग रहा है। बाकी हम लोग उसके अनुपालन में सरकार की जो मंशा है कोरोना वॉरियर की तरह से, कि कोरोना की क्या उनका उद्देश्य है, कितनी पैरासिटामॉल बिक रही है, मुझको लगता है कि ये जानकारी वो चाहते हैं और वो हम उनको उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। हम तो जानकारी मरीज से मांगेंगे, और मरीज अगर नहीं देता है तो हम उसको दवा देने में असमर्थ होंगे, ये हम मरीज से प्रार्थना कर रहे हैं। तो किसी चीज़ का नहीं दिया आपने, कर दिया। हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार ने जो ये बोला है कि लिंक पे अपडेट करना है, उसमें जो हमारे पास मरीज आता है वो इतनी जानकारी देना नहीं चाह रहा, और हमारे पास उन परिस्थितियों में एक ही ऑप्शन है, यदि वो पूरी जानकारी ना दे हमको तो हम उसको दवा ना दें। सरकार के निर्देशानुसार उसका मोबाइल नंबर, उसके घर का पता, उसको एक भय लगता है कि हमें कामन सर्दी बुखार है, ऐसा ना हो कि हमको लेके गाड़ी में बांध के लेके चले जाए। इस भयवश को अपनी डिटेल बताना नहीं चाह रहा, और हमारी मजबूरी ये है कि बिना डिटेल के हम उसको ये दवाएं उपलब्ध नहीं करा सकते। क्या चाहते हैं राणा चावला? हम चाहते हैं इसका थोड़ा सरलीकरण विभाग करे, जिससे उसकी सूचनाएं भी पूरी हो जाए और पेशेंट दवा ले भी ले। अगर वो नहीं लेता तो एक नई प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि सर्ट तो हो नहीं पाएगा पेशेंट का, स्कूटनी हो भी नहीं पाएगी, और वो इधर मंडराएगा उधर मंडराएगा, वाइब्रेशन वो उसकी मूवमेंट और ज़्यादा होगी। भय हमारी उम्र भी यही सब करते हो, हमें क्या होता है भाई? जब कस्टमर नहीं बता रहा तो हम